हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भौतिक विज्ञान भाग वन, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मात्रा, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब एवं पलवन। तो ये सभी टॉपिक हम किस बुक में से कवर करेंगे, ये सभी बात आप अच्छे से जानते होंगे। हम कवर करेंगे आज लुसेंट सामान्य ज्ञान इस बुक में से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हम एक छोटा सा कारवा लेके चले थे लूसेंट बुक का, जो काफ़ी बेसिक बुक है, आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, अभी आपकी शुरुआत है, आपने अभी नया नया अपना कदम रखा है इस फील्ड में, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को चाहे तो आप वीडियो के माध्यम से ख़त्म करें, पढ़ें, समझें और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करें, या फिर डायरेक्ट ये बुक आप मार्केट से परचेस करके स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो पे अगर डिपेंड होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवल इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, भौतिक विज्ञान के ये सभी टॉपिक जो आप देख रहे हैं, इसमें से हमको कितना पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी बात मैं आपसे आज कवर करूंगा। आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन आप इस बुक को ओपन कर लीजिए। इसमें भौतिक विज्ञान का जो स्टार्टिंग का जो पेजेस है उसको ओपन करें, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान एक्चुअली एक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आपका मैटर और ऊर्जा, मतलब मैटर और एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। इसमें दो चीज़ों का अध्ययन होता है, एक तो होता है मैटर और सेकेंड होता है आपका एनर्जी। दोनों चीज़ों का जब परस्पर क्रियाएं होती हैं तो क्या क्रियाएं वो आपस में मिलकर के करती हैं, तो इस चीज़ का इसमें अध्ययन होता है। तो आपको अभी ये चीज़ हाईलाइट नहीं करनी है, केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब हम बात करते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, और किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। देखिए, मात्रक कितने प्रकार मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में आपसे ये पूछता है। तो मात्रक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फंडामेंटल, पहला होता है फंडामेंटल, एंड सेकंड होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, कोई भी अगर राशि होती है तो उसका एक ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऐसा ही मात्रक क्या है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, डैम श्योर यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे। जैसे कि आप कहते हो कि मेरा वेट जो है वो 15 किलो है, या आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप किलोग्राम नहीं लिखते किसी जगह पर, आप लिखते हैं केजी। अगर आप मैथ के क्वेश्चंस में देखते हैं कि किसी ने 15 किलो वेट उठाया, अगर ए इतना काम करता है, इतने किलो का काम करता है, तो इस तरह से आप कभी भी देखते हैं किलोग्राम कभी नहीं होता, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है केजी। तो जो भी ऐसा ही मात्रक होगा उसका एक संकेत बनेगा, एक डिनोट, एक कोड बनेगा, एक वर्ड बनेगा, वो भी हमको याद करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ताप का जो ऐसा ही मात्रक है वो है केल्विन, इसको डिनोट करते हैं के से। एंड विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसको प्रेजेंट करते हैं ए से, ए फॉर एम्पियर, के फॉर केल्विन। ज्योति तीव्रता, इसको हम बोलते हैं कैडिला, और कैडिला का जो संकेत होता है वो होता है सीडी, ठीक है, सीडी। तो आपको 4, 5, 6 केवल यही पॉइंट अपने बुक में हाईलाइट करने हैं और इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा ही के कुछ पुराने मात्रक थे, उनका कुछ नया नाम पड़ा है आपसे, तो हमको पुराना नाम और नया नाम दोनों याद रखना है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपसे टेम्परेचर को लेकर के, ताप। देखिए, अगर आप जहाँ भी रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो वहाँ का एक टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप कहते हैं ना, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं या न्यूज़ अगर सुनते हैं, वहाँ भी आप देखते हैं ताप टेम्परेचर क्या होता है। तो सेंटीग्रेड जो था वो पुरानी यूनिट थी, एसआई का जो पुराना नाम था ताप का, जो एसआई था, ओल्ड नेम था इसका सेंटीग्रेड, लेकिन अब इसको बोलते हैं सेल्सियस। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सेंटीग्रेड सेल्सियस क्या पढ़ें उसको, जब भी वो कभी साइंस में कभी देखते हैं कि 25 डिग्री ये सी देखते हैं लगा हुआ, तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि ये सेंटीग्रेड है या फिर सेल्सियस है। तो आप याद रखना, आप सेंटीग्रेड बोलते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर आप सेंटीग्रेड बोलते हैं तो यहाँ पर ये जाहिर होता है कि आपको इसका नया नाम नहीं पता। तो इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, वहाँ पे हर स्टेट का एक टेम्परेचर लिखा हुआ आता है,
तो वहाँ पे आपको अब से यूज़ करना है सेल्सियस। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है ये, शायद आपको पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 3 की ओर। इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं लुमिनस, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। ज्योति तीव्रता एक्चुअली होता क्या है? देखिए, आप कभी भी मार्केट से कोई ट्यूबलाइट वगैरह लेने जाते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब, CFL या फिर LED, तो वहाँ पे उसका जो बॉक्स होता है, उसका कवर होता है, उसका बैक साइड में लिखा होता है लुमिनस। लुमिनस जितना अधिक होगा, उस चीज़ की ब्राइटनेस उतनी अधिक होगी। ब्राइटनेस बोले तो वो उतना ही उजाला फेंकेगी, तो उजाला काफ़ी क्लियर होगा। तो लुमिनस आप चेक करा करिए कभी भी आप कुछ भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, खास तौर पर लाइट वगैरह, ये सब जो आइटम होते हैं ना, जो लाइट देते हैं आपको, उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो वहाँ पर लुमिनस बनता है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट में आप आटा लेने जा रहे हैं, आपने आशीर्वाद के आटे की थैली चेक करी, उसमें आप लुमिनस चेक कर रहे हैं, तो ये नहीं है। ज्योति का मतलब प्रकाश से है, तो जो भी चीज़ प्रकाश फेंकेगी उसका एक लुमिनस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, इसका पुराना मात्रक जो था, ऐसा ही मात्रक, वो था आपका कैडी शक्ति, इसको बोलते थे CP, प्रेजेंट करते थे इसको CP से। और अब जो इसका नया नाम है, वो है आपका कैडेला, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका CD, राइट। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? अब एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के इक्वल होता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 × 10^15 मीटर, और एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पार्सेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर इसको हम मीटर में करेंगे डिनोट, तो मीटर में कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो आपको मीटर और प्रकाश वर्ष दोनों ही याद करने हैं। और ये जो मीटर वाला जो केस है, ये मीटर वाला केस पूछा जाता है आपसे SSC CGL में, लेकिन ये डायरेक्ट प्रकाश वर्ष वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे में, या फिर अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, MPSI की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन स्टेट PCS को जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर 1 जो आपका एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे डायरेक्ट आपसे मीटर पूछेगा। बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे वो प्रकाश वर्ष पूछे। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया मीटर तो आप बस केवल मीटर ही याद करेंगे। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों ही चीज़ें याद करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम एक जंगल के समान है। अगर आपको शिकार किसी खरगोश का करना है, तो हथियार कम से कम शेर के लेके चलो। जी हाँ, पता नहीं जंगल में कब किससे मुलाकात हो जाए। खरगोश का मतलब खरगोश नहीं कि आपके सामने कोई खरगोश ही आएगा, जी हाँ आओ मुझे मारो, शेर नहीं आ सकता, टाइगर नहीं आ सकता, जंगल है, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है? तो 1 जूल होता है 10^7 अर्ग के। अब देखिए, 10 की घात कुछ होती है, 10^9 क्या होता है, 10^18 क्या होता है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं तो हमको पता करनी है। 10^18 होगा तो वो होगा हेक्सा, प्रीफिक्स होता है इसका हेक्सा, एंड इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है, संकेत होता है ई, 10^-9। ये क्वेश्चंस कभी कभी क्या अधिकांश आपके एग्जाम में पूछा गया है, 10^18 में पूछा गया है और 10^-9। तो ये है आपका नैनो, प्रेजेंट करते हैं उसको एन से। 10^-1 है आपका डीसी, प्रेजेंट करते हैं उसको डी से। अब हम बात करते हैं गति के बारे में। देखिए, गति काफ़ी सारी गति होती है, तो आपको गति के बारे में इतना डीप नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए विस्थापन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। और यह सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? देखिए, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन लेता है, बनाता है आपसे। तो इसका SI मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, ठीक है। और ये किस प्रकार की राशि है? तो ये है एक सदिश राशि। तीनों ही चीज़ें आपको विस्थापन से संबंधित याद करनी है। न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, और ये एक सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक मीटर है। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल। जी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ना कि घंटे में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। आप कभी भी डिस्टेंस का कोई भी चैप्टर आप सॉल्व करते हैं मैथ में, तो वहाँ पे किलोमीटर पर आर होता है हमेशा, लेकिन जो एग्जैक्ट जो यूनिट होती है उसकी वो होती है मीटर पर सेकंड। चाल की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। अब एग्जाम में कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि चाल का SI मात्रक क्या है। अब हमने पढ़ा है चाल बराबर किलोमीटर पर आर, यही हम देखते हैं मैक्सिमम अपने हर क्वेश्चंस में, तो हमको वहीं पे वो क्लिक होता है और हम गलत अपना आंसर एग्जाम में लगा के आ जाते हैं।
तो आपको ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड याद रखना है, ठीक है। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो आप ये देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन चाल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं एक एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। और इसे प्राय ओमेगा से प्रकट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 1 ओमेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 पाई आर आपका फॉर्मूला होता है, तो 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा आपका ओमेगा इक्वल में 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। जी हाँ, न्यूटन के बारे में जिक्र ना हो अगर भौतिक विज्ञान के बारे में हम बात करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। देखिए, न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है। भौतिकी के पिता जो है वो न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक थी इनकी प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित करा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किसने करा था, वो करा था न्यूटन ने, कौन सी पुस्तक में करा था, उनकी पुस्तक का नाम बताइए। तो उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है आपका प्रिंसिपिया, याद रहेगा प्रिंसिपिया। सॉरी, न्यूटन का प्रथम जो गति नियम है वो है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, चाहे आप टेबल में बैठें, चाहे आप चेयर में बैठें, या फिर आप बैठेंगे बस में, तो आप क्या रहेंगे, हमेशा विराम अवस्था में रहेंगे। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहे हैं तो वैसे ही चलते रहेंगे आप भी। अगर आप बस में बैठे हैं, तरीके से आप स्टैचू बन के बस में बैठ गए, आपको किसने बोला स्टैचू, आप स्टैचू बन गए, बस चल रही है, लेकिन आप तब भी क्या है, विराम अवस्था में हैं। जब तक, कब तक, जब तक आप पर कोई बाह्य बल, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, पीछे से आकर के बस में मैं आपको धप्पा कर दूं, तो धक्का दे दूं, धप्पा धक्का कुछ भी कर दूं, तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा मोशन उसमें हिल जाएगा, तो आप तब विराम अवस्था में नहीं होंगे, तब परिवर्तन आता है जब बाहर से कोई बल लगता है, राइट। अब देखिए, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम जड़त्व का नियम। तो गैलीलियो का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है वो बताइए, तो ये है आपका प्रथम नियम। अब देखिए, बाह्य बल के अभाव में, कमी में, किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रकृति को हम जड़त्व कहते हैं, और प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, मिलती है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, और संवेग का फॉर्मूला होता है वेग मल्टीप्लाई द्रव्यमान, वेग मल्टीप्लाई द्रव्यमान। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल एफ हो, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए हो, एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से f इक्वल में m मल्टीप्लाई a, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आप इसको बस केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास करना, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ये इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है आपसे। अब अगर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आप ऐसी पोस्ट भरते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है, तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया पक्का होती है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, अगर आप क्रिया करेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया पक्का होगी। एग्जाम्पल, अब देखिए, बंदूक से अगर गोली आप चलाएंगे तो कंधा पीछे की तरफ हटेगा, ठीक है। अगर नाव से किनारे पर कूदने का प्रयास करेंगे तो नाव पीछे की ओर हटेगी, ठीक है। और रॉकेट को उड़ने में न्यूटन का कौन सा गति का नियम लागू होता है, तो ये होता है तीसरा नियम। तो आपसे ये सिचुएशन देगा और वहाँ पर आपसे ये पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट कि ये कौन सा नियम है और ये किसका नियम है, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अभिकेंद्रिक बल, अभि का मतलब होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, मतलब गोल 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 कोई चीज घूम रही है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। अगर बल जो लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा, ये आपका सेंटर मान लीजिए, तो इसको बोलेंगे अभिकेंद्री बल। अगर बल बाहर की ओर लगेगा, वृत्त के बाहर की ओर लगेगा, तो उसको बोलेंगे अपकेंद्री बल, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करिए। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल मल्टीप्लाई विस्थापन। और ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसमें आ जाती है तो उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला चाहे तो हम याद कर सकते हैं, बहुत ही रेयर फॉर्मूला ये पूछता है, लेकिन ये आपका यूपी में जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। तो यूपी का अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या करते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, कुछ उपकरण होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं, तो वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपको चार नाम देगा, डायनेमो, मोमबत्ती, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। तो आपको उसमें याद रखना है क्या क्या किसका काम है। तो देखिए, डायनेमो का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आपका ये डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सभी आपको याद करने हैं। बट इसमें मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर, सोलर सेल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है 10। अगर टाइम कम है आपके पास, एग्ज़ाम अभी आपका 15-20 दिन में होने वाला है, तो आप केवल इतने याद करिए। अगर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा समय है, अभी 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 आप तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये सभी पॉइंट याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा और इस वीडियो में। देखिए, पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको याद रखना है वाट होता है। और 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलो वाट में होते हैं टोटल 1000 वाट। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। और वाट का तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आपसे पूछता है एग्जाम में एक अश्व शक्ति में, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट। और एक वाट घंटा कितने जूल के इक्वल होता है? तो ये होता है आपका 3600 जूल के, मतलब 3600 जूल के इक्वल होता है एक वाट घंटा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? यानी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण मतलब अट्रैक्शन बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं गुरुत्व के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अब देखिए, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाएंगे या फिर आप जाएंगे नीचे की ओर, तब जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, जो ग्रेविटी होगी, वो क्या होगी? हमेशा घटेगी। ऊपर जाएंगे तब भी आपको दिक्कत होगी, नीचे जाएंगे तब भी आपको दिक्कत होगी। आप कुछ इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप एक अपार्टमेंट वाइज फ्लोर वाइज में रहते हैं, ठीक है, आपका पहला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हैं, आप इजीली आराम से अपने घर में आना जाना कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ फ्लोर ऊपर का तो टॉप फ्लोर लेते हो, तो आपको चढ़ने में भी दिक्कत है, ऊपर जाने में भी दिक्कत है, और नीचे अगर आपका जीरो ग्राउंड है तो भी दिक्कत रहेगी। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आप पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा। और अगला जो पॉइंट है वो है आपका ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? ग्रेविटी सबसे अधिक जो होती है वो होती है आपकी पोल पर। और इक्वेटर पर क्या होगी? सबसे कम होगी। इक्वेटर पर सबसे कम होगी, न्यूनतम कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे होगी। और अगर पृथ्वी जो रोटेट करती है उसकी गति अगर बढ़ जाए तो ग्रेविटी हमेशा कम होगी, पृथ्वी
पृथ्वी की रोटेशंस स्पीड, जो रोटेट मतलब कि जो पृथ्वी गोल गोल घूमती है उसकी गति अगर बढ़ा दी जाए तो ग्रेविटी कम होगी, अपोजिट रिएक्शन होगा इसमें, याद रखना। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति हमने घटा दी तो क्या होगा, ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है। तो एग्जाम में यहीं से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 2 3 4 5, जो 5 पॉइंट आप देख रहे हैं, 5 पॉइंट में से ही आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कभी भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, अगर जीके को अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर थोड़ा सा पॉज करिए, उसमें आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है मेरे एग्जाम में, एग्जामिनर मुझसे क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। तो वहाँ पे आपको इसी तरह से स्टडी करनी है। आपने कुछ भी पढ़े अपने साथ में हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन बनाते हुए चले कि हाँ, इसने अगर ऐसा पूछा तो मुझको ऐसा रिप्लाई करना है, अगर उसने वैसा पूछा तो मुझको वैसा रिप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं केपलर का नियम। पहला नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है, और प्रत्येक ग्रह का क्या है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। फिर हम बात करते हैं आपसे दाब के बारे में। प्रेशर क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और एक बार कितने के इक्वल होता है, तो एक बार होता है 10^5 एन अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, और वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद में बढ़ता हूँ आगे कि पास्कल का पहला नियम, दूसरा नियम क्या है। तो पास्कल का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। और पास्कल के नियम का सेकंड कथन ये कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर लेता है। अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं, उनके नाम। तो एग्जाम में आपसे केवल यही एक पॉइंट पूछता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं, उसका नाम बताइए। तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित एक यंत्र है। पलवन, प्लावक बल क्या होता है। देखिए, द्रव का वह एक गुण होता है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। अगर बल ऊपर की ओर लगे किसी वस्तु पर तो वो होगा उत्प्लावक बल, ठीक है, बस इतना याद रखना। फिर हम बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा या थोड़ी सी आंशिक रूप से डूबोई जाती है तो उसके भार में हमेशा क्या आएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि भार में यह आभासी कमी जो आती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। याद रखना, द्रव के भार के बराबर होती है। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, ये लाइन 2 से 3 बार आप अभी पढ़िए, ठीक है, राइट नाउ इसी 2 3 बार इस पॉइंट को पढ़िए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सोचिए इस पर। आगे हम बात करते हैं, देखिए अपेक्षित घनत्व का अनुपात है, अपेक्षित घनत्व का एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हमेशा हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, क्वेश्चन ये नापा जाता है आपेक्षिक घनत्व। अब देखिए, जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरती है तो उसका जो आयतन होता है 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ये अच्छे से रखना याद। फिर हम बात करते हैं दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ये नापी जाती है, मापी जाती है दुग्ध मापी से। लेकिन एग्जाम में आपको दुग्ध मापी नहीं देगा, एग्जाम में आपको देगा लैक्टोमीटर। दुग्ध मापी के जमाने जो थे वो चले गए, ठीक है, इतना ईजी आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकें, अपने एग्जाम में टिक लगा के आ जाए। आपको देता है ऑप्शन में लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की जो होती है वो शुद्धता मापी जाती है। अब हम बात करते हैं मेटा सेंटर। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक है, बस इतना रखना इसको ध्यान, और इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो आपके एग्जाम में। ये चीजें जो मैंने आपको अब तक हाईलाइट कराई है वो सब आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लेकिन किंतु परंतु, सबसे पहले आप जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट पर,
वहाँ पर आपको मिलेंगे ढेर सारी किताबों के कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर चेक करिए, प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि चैनल यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आप जिस भी माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। आप भी पढ़िए और औरों को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो ये याद रखना, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बातें अच्छी लगती हैं तो उन शब्दों को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। और आप इस चैनल पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप एक वर्किंग है, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो आप पेटीएम के माध्यम से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पेटीएम नंबर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मिलेगा आपको पेटीएम नंबर। और पेटीएम नंबर पे प्लीज़ आप कॉल ना करें, आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, तो आप मुझे उस नंबर पर SMS कर सकते हैं, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको पक्का करूँगा। एक आध दिन लेट हो सकता है, बट रिप्लाई पक्का करूँगा। ठीक है, इसी के साथ कहता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।